अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गाइस। आज ना हम लोगों ने 24 आवर चैलेंज करना था, लेकिन आज भी हम लोग 24 आवर चैलेंज नहीं कर पाए, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे घर मेहमान आए हैं, पापा के दोस्त, और आज मंगल बाज़ार भी है। तो मैंने बोला आज मंगल बाज़ार चले जाते हैं। अली ने ज़िद की हुई थी, अनस भाई मुझे बकरी के बेबी चाहिए, काऊ का बच्चा चाहिए, तो मैंने बोला चलते हैं भाई मंगल बाज़ार, अगर वहाँ से पसंद आ गया बकरी के बच्चे या काऊ का बेबी तो हम लोग ले लेंगे। और अली ट्यूशन से आ गया, अली पैरोट को भाई बोलना सिखा रहा है डॉन को। और किटन्स के पास जाऊंगा ना, देखो कैसे छलांगे लगाएंगी। ये देखो, ये देखो, ये बोल रही है बाहर निकालो, हमें अंदर ही रहो। अभी डॉन मेरा दोस्त बन गया, देखो डॉन सबका दोस्त बन गया भाई। डॉन हर किसी के पास चला जाता है, लेकिन जो पारो है ना ये बहुत ज्यादा नखरे करती है। क्या हुआ? हाय, ये देखो पोटी कर दी। चलो चलो चले चले, हाथ धो जाके चलते हैं भाई फटाफट से मंगल बाजार, और इस व्लॉग को करते हैं इसे स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। फाइनली हम लोग मंगल बाजार पहुंच गए हैं। आज हम लोग मंगल बाजार जल्दी आ गए, तो भाई बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है, और मंगल बाजार में हमें चड्डी लाल भी मिल गया। चलते हैं भाई आगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर है, समझ ही नहीं आ रही। आगे मुझे बकरियां नजर तो आ रही हैं। आ जाओ अली, कितने का भाई ये बकरी का बच्चा? ये कितने का बकरी का बच्चा? बकरी का बच्चा ये वाला 25 के, दोनों 25 के हैं। और ये वाला अकेला? दोनों 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 दे रहे हो? ये वाला वैसे अली बहुत ज्यादा क्यूट है, दोनों एक ही चीज है। चलो बोल रहे दोनों लेने पड़ेंगे, इधर दिखाओ। ये देखो, हाँ मानो जैसा भाई बिल्कुल हमारे यार। ये अकेला नहीं दोगे? नहीं ना, एक चाहिए हमें। चलो फिर आगे पता करते हैं भाई, यहाँ बकरे ही बकरे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ भेड़ ले लेते हैं। अब हम लोग आ गए दूसरी साइड, यहाँ पे सारी दूध देने वाली गायें, और यहाँ पे गाय के बच्चे भी हैं भाई। अली इधर आओ दिखाऊं, इतना क्यूट गाँव का बीबी है यार। ये देखो पास नहीं लगने देगी, वे मारेगी अली। नहीं भाई, ये कितने का बच्चा? गाय के साथ मिलेगा कितने का? 2 लाख जी। ये देखो अभी अभी पैदा हुआ है, और भी है यहाँ पे। ये देखो ये वाला अभी, ये वो भाई हाथ नहीं लगाने दे रही अपने बच्चे को, अपने बच्चे को हाथ नहीं लगाने दे रही। ये वाली कितने की है भाई? किसकी है? कितने की भाई? ये बच्चा इसके साथ है? 180 की दे रहा है। कितना दूध देती है एक दिन में? कितना दूध देती है? 8 किलो दूध देती है। 8 किलो दूध होगा भाई, लेकिन अभी हम लोगों ने सिर्फ बकरी का बेबी लेना है। अली और मोटा हो जाएगा दूध भी। क्या जवाब है? देख क्या ना, लात भी मार सकती हैं। अबे भाई ये मुझे, ये काऊ मुझे खुराट लग रही है, मार भी सकती है टक्कर। अरे यहाँ पे और भी बीबी है, ये देखो काऊ का भाई। ये कितने की काऊ? 90। 90 बच्चा भी साथ है यार। बच्चा अली देखो कितना प्यारा है माशाल्लाह। ये अलग से नहीं मिलता बच्चा। दूध कितना देती है ये? 8 किलो। 8 किलो दूध भी देती है। कितने की? 90 की जी। अगर सिर्फ बच्चा लेना हो हमें, बच्चा नहीं मिलेगा, बच्चा नहीं मिलेगा। बच्चे वे बोल रहे हैं बच्चे को हाथ नहीं लगा, और टक्कर वक्कर मार देगी, उड़ के जाओगे आप। ये देखो ये वाली काऊ अभी बच्चा देने वाली है। आप यहाँ पे तो सारी काऊ के साथ बच्चे हैं भाई। कितने की है भाई? 1,80,000। क्या बात है, सारों ने 1,80,000। दूध कितना देती है ये? 12 किलो। कितना दूध देती है? 8 किलो भाई। ये सब ने इधर यही सीन रखा हुआ है, 1,80,1,80 और 8 किलो दूध देती है। काऊ लेनी है क्या? हमने तो बकरी के बच्चे। काऊ पता कर रहे हैं ना, बकरी का बच्चा मुझे कोई समझ नहीं आ रहा। इस काऊ को चोट लगी हुई है। चलो हम लोगों को अंदाजा तो हो गया ना कितने तक का मिल जाएगा हमें। ये अलग से है बच्चा? नहीं, माँ के साथ है भाई।
सारे माँ के साथ हैं, अलग से कोई भी नहीं दे रहा भाई। इधर आओ, ये वाला बच्चा चेक करो अली, कितना क्यूट लग रहा। उए, 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 बच गए भाई, बच गए। नहीं तो भी खत्म, टाटा, बाय बाय हो जाता भाई हमारा तो। बच गए भाई, मैं तो बोल रहा हूँ चलते हैं भाई, यहाँ पे फुल खुराट गाँव घूम रही है। चलो चलते हैं आगे। यहाँ पे अभी अभी एक बकरी ने बच्चे दिए हैं। कितने क्यूट हैं भाई, कितने क्यूट क्यूट हैं, अभी अभी दिए हैं। ये देखो अपने बच्चों को चाट भी रही है। माशाल्लाह, देखो अली फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम लोग। कितने क्यूट हैं भाई, माशाल्लाह। माँ कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, इतने छोटे छोटे बकरी के बेबी देख रहे हैं। नहीं अभी तो नहीं देंगे, अभी ये बेचोगे आप बकरी? बकरी कितने की बच्चों के साथ? 70,000 की यार, ले लेते बहुत महंगी है। इसमें भी देखो क्यूट क्यूट से बेबी हैं। अगर हमें बच्चा खरीदना हो, बच्चा मिल जाएगा अलग से? बच्चा खरीदना हो बच्चा मिल जाएगा? नहीं नहीं इसका नहीं, ये जो अंदर है इधर, इसमें जो बच्चे हैं ये वाला 8,000 का काला बहुत क्यूट है, मुझे ले लो, अच्छा है, मर जाएगा, बहुत छोटा, बहुत छोटा है। 6,000-7,000। पूरी मंडी हम लोगों ने घूम लिया लेकिन कहीं से भी अच्छा वाला बकरी का बेबी हम लोगों को नहीं मिला। अरे अली जिद कर रहा है, मैं कर दे अब्दुल्ला को बकरी बना लो। अरे मैं पता है क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से अच्छा नहीं मिल रहा और महंगे भी बहुत दे रहे हैं। हम लोग जाएंगे बहावलपुर, वहाँ से हम लोग राजस्थानी बकरी के बेबी लाएंगे, नस्ली काओ के बेबी भी वहाँ से लाएंगे। हाँ ये बात भी है। देखो चड्डी लाल ने क्या लिया, दिखा। तीन मुर्गियाँ कितने की मिली? 4,500 रुपए की। अंडे देती हैं? यही वाली मुर्गियाँ ले ले, ये देखो मुर्गियाँ ले ले, ये वाली बाहर निकाल के दिखा। यही चड्डी लाल से हम सौदा मार लेते हैं भाई, पक्की बात। अंडे देती है ना, बस यही वाली फिर हम लोगों को दे दे। चड्डी लाल से हमने ले ली भाई, चड्डी लाल को 10-10 रुपए दे दिए, 10-10 रुपए में ले ली। चूजे मर जाएंगे, गर्मी बहुत है, हमारा गर्मी से बुरा हाल हुआ हुआ है। नहीं नहीं बस मुर्गियाँ ले ली हम लोगों ने, चलते हैं भाई फटाफट से अपने घर, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पे। पहले हम लोग आ गए अपने न्यू घर, ताकि हम लोग अपनी मुर्गियों को भाई केज में बंद कर दें। अली एक एक मुर्गी निकाल के केज में डाल दो आराम से। यार बड़ी बड़ी मुर्गियाँ हैं देखो, ओए होए होए अंडे देंगी भाई, मजा आएगा। हम लोग अपनी मुर्गियों के अंडे खाया करेंगे। ये आ गई दूसरी मुर्गी। यार ये वाली मुझे बीमार बीमार लग रही है, या गर्मी से इसको प्यास लग रही है। अली इनको पहले तो पानी पिलाते हैं भाई, ये देखो बुरा हाल हुआ हुआ है गर्मी से इनका। अब्दुल्ला इनको पानी छानी दो यार जल्दी से। डक बड़े मज़े से हमारी घूम रही है भाई, इतनी गर्मी है ना, बुरा हाल हुआ हुआ है हमारा। इतना बुरा हाल हुआ है तो इन बेचारों का क्या हाल हुआ होगा, कबूतर भी बाहर निकले हैं। अरे यार हाँ, हम लोगों ने अपने मिनी जू के लिए पाइप भी लेके आना है, तो आज हम लोग अपने मिनी जू के लिए पाइप भी ले आएंगे। टर्टल्स टर्टल्स उन्होंने घास भी खा ली, सांप खाना शुरू कर दिया। कैसे हो टर्टल्स? ठीक है, माफ करना। और हमने अपने हस्की को इस साइड रखा हुआ है, ताकि भाई ये दोबारा से किसी के ऊपर अटैक नहीं करे। घर आ गए थे, घर आए तो भाई साहब लाइट नहीं थी। एक तो भाई इतनी शदीद गर्मी हो रही है, ऊपर से लाइट वालों ने अलग से तंग किया हुआ है, बार बार लाइट ले लेते हैं। खाना भी रेडी हो गया, खाना गर्मी में ही बैठ के खाना पड़ेगा। खाने में मामा ने चिकन कढ़ाई बनाई है, और खाना आज मैं बाहर ही बैठ के खा रहा हूँ। वैसे गाँव देहात में ना इसी तरह देसी स्टाइल में पलंग पर बैठ के खाना खाते हैं, तो खाता हूँ मैं भी फटाफट से अपना दोपहर का खाना। खाना शाना खा लिया था, घर पे लाइट तो थी नहीं, मोबाइल में चार्जिंग भी खत्म हो गई थी, तो हम लोग चले गए थे ट्यूबवेल पे नहाने के लिए। ट्यूबवेल में मस्त होके नहाए भाई, फिर घर आके फिर से नहाए, फिर रेडी शेडी होके कपड़े शपड़े चेंज किए। अब हम लोग जा रहे हैं अपने न्यू घर, पैरोट्स को और किटन्स को लेके। अली भी नहा धो के फ्रेश हो गया। अब्दुल्ला अली आप किटन्स उठा लो, देखो बड़े मस्त होके किटन्स हो गई हैं। माओ माओ उठो माओ, अब माओ माओ करना शुरू कर देंगे ये। माओ उठ जाओ, चलो माओ को मैं उठा लेता हूँ। न्यू घर आ गए, किटन्स को और पैरट्स को हमने बाहर निकाल दिया, और किटन्स की तो भाई कोको के साथ फ्रेंडशिप हो गई। देखो बड़े मज़े से कोको के साथ खेल रही हैं, वो देखो। अरे कोको तो मुझे लगता है मार रही है, ओए ओए दोनों खेल रही हैं।
भाई बहुत ज़्यादा खेलती हैं किटन्स कोको के साथ, दूसरी ये री, और ये यहाँ पे आके ना मस्त होके सो जाती हैं दोनों किटन्स। और मैंने तो किटन्स का नाम भी सोच लिया, जो मेल किटन है ना उसका नाम हम रखते हैं किटू, और जो फीमेल है उसका नाम रखते हैं माओ, क्योंकि ये पूरा दिन माओ माओ करती रहती हैं। और आज तो भाई हमारे मिनी जू में बंटा भी आया है। कैसा बंटे, कहाँ था इतने दिनों से, आ रहा ही नहीं था। और जो हम न्यू मुर्गियाँ लेके आए थे, बंटे पकड़ के निकाल मुर्गियों को बाहर, निकाल दे। पूरे रैबिट का बेबी बाहर निकला हुआ था, अंदर घुस गया। और बाकी मुर्गियाँ और मुर्गे ये घूम रहे हैं, तुर्किश रैबिट भी बाहर निकला हुआ है। अभी मैं किसी को पकड़ूंगा ना तो देखो डक मेरे पीछे लग जाएगी। वो देखो कोको फिर दोनों किटन के साथ खेल रही है, मैं जाता हूँ ना पास तो भाग जाती है कोको, कहीं अटैक ही ना कर दे। वैसे हमारे सामने तो खेल रही होती है। बंटे ने मुर्गियों को बाहर निकाल दिया। हाँ बंटे कैसी हैं मुर्गियाँ, हमारे तुर्किश रैबिट देखें कहाँ है, पैंथर, पैंथर को रोटी छोटी दे दिए, पैंथर ने खाना खा लिया। लेकिन अभी जो थोड़ा खाना बचा हुआ है ना पैंथर के साथ प्रैंक करते हैं। पैंथर नहीं आज, ओए पकड़ लिया देखो डंडा पैंथर की, अच्छा पैंथर नहीं, आज वैसे कम गुस्सा है, रोज़ ज़्यादा गुस्सा आता है पैंथर को जी। और अली के काम चेक करो, फट्टू सिंह और चड्डी लाल, फट्टू सिंह पीछे आके मज़े से लेटा हुआ है भाई, और चड्डी लाल भी बैठा हुआ है, पत्ते खा रहे हैं। देखो अली अपने हाथ से खिला रहा है टर्टल्स को, अली के हाथ से टर्टल खा रहे हैं भाई पत्ते। ये देखो मुँह खोला हुआ है भाई टर्टल ने, कैसे खा रहे हैं। ओए होए होए वाह अली वाह, बंटे को पकड़ाओ टर्टल, पकड़ेगा बंटे, कुछ नहीं कहता, पकड़ ले टर्टल के टप में डाल दो, हट जा बंटे को, बंटा इतने दिनों से नहीं आ रहा था ना, बंटे को पकड़ के टर्टल के टप में डाल दो, डाल दो टर्टल के टप। वो इसको पोटी करा रहे क्या बंटे को, करा करा इसको पोटी करा। ओ नहीं 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 शीस, और नहीं 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 छोड़ दे, बिठा 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 बिठा। बंटे के साथ प्रैंक कर रहे हैं, उठा लो कुछ नहीं कहेगा, उठा लो। नहीं 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 बंटा खा भी लेगा। नहीं 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 उसके खाने के पास नहीं करो, काट लेगा, उसके खाने के साथ मजाक नहीं। देखो अब्दुल्ला को आज कुछ नहीं कह रहा, अब्दुल्ला पता है सिर्फ डंडे के साथ करता है वो। अली अभी देखना डंडा रखा ना डंडे को पकड़ लेगा। बंटे बंटे को क्या हो रहा है, बंटे को क्या हो रहा है। नहीं 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 छोड़ दे अब्दुल्ला छोड़ दे, बंटा फिर कल से आएगा भी नहीं। यार आज किसी मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, यार मैं तो सोच रहा था आज भी अंडे देंगी हमारी मुर्गियाँ। हाँ ये बात भी है, इनकी इनकी कोई जगह नहीं है अंडा देने की। और हस्की नजर नहीं आ रहा, हस्की कहाँ है, हस्की भी हमारा नजर नहीं आ रहा भाई। आजा 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 डॉन डॉन डॉन, अरे डॉन आजा बैठ जा थोड़ी देर मेरी पास, मेरे पास भी बैठ जाएगा डॉन। अरे डॉन को हम लोग कुछ नहीं कहेगा, इधर आ कुछ नहीं कहेगा। हाँ आपके बंटे के गंजे पे हम डॉन को बिठाएंगे, पकड़ के लाओ बंटे को, पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले। इतने दिन से क्यों नहीं आ रहा था, आया करेगा, नहीं आया करेगा, ये लो। अरे मेरे पास से किसी के पास नहीं जाता भाई, मेरा दोस्त बन गया डॉन, अब मेरा दोस्त बन गया। और ये देखो जो हमने कबूतरों के लिए जंगला लगाया था ना, आहिस्ता आहिस्ता कबूतर जंगले पे बैठने लग गए, अभी एक कबूतर आके बैठा है जंगले पे, आहिस्ता आहिस्ता सारे कबूतर बैठने लग जाएंगे जी। अबे भाई माओ
अभी आ जाती भाई मेरे पाँव के नीचे, इनका पता ही नहीं चलता। हम लोग न्यू मुर्गी लाए थे ना उसको, मैं ना उसको ना मैं रूम में छोड़ के गया था, उसने शायद रूम में अंडा दिया। देखते हैं भाई रूम में किस जगह छोड़ा था। रूम में मैंने इस जगह छोड़ा था, देखो रूम में अंडा है। नहीं यहाँ पे नहीं दिया होगा अंडा। अरे डॉन को बिठा लिया बंटे ने, बंटे काट भी लेता है। वो गंजे पे काट रहा है बंटे के गंजे पे, अबे बंटे के साथ सील हो गया, प्रैंक हो गया बंटे के साथ। वो बंटे को छोड़ ही नहीं रहा है। अन्ना भाई, अन्ना भाई ये देखो। एक मिनट, नहीं 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 खिलाना, नहीं खिलाना, एक मिनट आराम से। ओए हस्की की वो चैन और वो पट्टा, हस्की की चैन और पट्टा लिया है। हस्की खुद कहाँ है, हस्की तो मिल ही नहीं रहा हमें। कहाँ पे हस्की को निकालो भाई, हस्की का चैन पट्टा ले आए। हस्की को हम लोग चैन और पट्टा पहना देते हैं आज। वो यार भाई को, तुम्हारे भाई को निकालो यार, हस्की को निकालो अंदर से। हस्की कहाँ छुपा हुआ है, हस्की वो रहा हस्की एंड पे बैठा हुआ है। देखो इन्होंने अपना कितना मस्त घर बनाया हुआ है, अंदर पूरा खड्डा बनाया हुआ है यहाँ पे। अब्दुल्ला निकाल ले, उसी साइड है ये पैंथर भी रहेगा। नहीं नहीं कुछ नहीं कहेगा, ये रहा ये रहा, निकाल ले आराम से हस्की को। नहीं कर, मैं चमार मारूंगा। वो देखो अब्दुल्ला यार अली मस्तियां कर रहा है, प्रैंक कर रहा है। अरे निकाल ले, निकाल ले यार हस्की को यार, नहीं अब अली नहीं करो यार हस्की को निकाल लो, जो काम का काम है वो करो, तुम लोग आके मस्तियां करना शुरू कर देते हो। निकालो, आ गया हस्की, आ गया, आ गया हस्की, आ गया। नहीं पकड़ लो हस्की को, पकड़ लो। वो रहा हस्की यार, वो वहां चला जाएगा, वो देखो वहां चला गया हस्की। अली नहीं चढ़ो, गिर जाओगे यहाँ से, स्लिप हो जाओगे। नहीं इधर दिखाओ यार, ये लोग तो इतना डरते हैं भाई। निकाल लिया, चलो भाई हस्की को अब न्यू पट्टा पहना देते हैं। हस्की कैसा है, हस्की पाला शाह, हस्की पहना दो पट्टा, ढीला करके पहनाना, टाइट नहीं पहनाना। कितना कितना सही है। हाँ एक फर्स्ट में, वो बहुत खुला हो जाएगा, निकल जाएगा। सेकंड में ठीक है भाई, हमने हस्की को न्यू पट्टा भी पहना दिया। और ये ज्यादा ढीला नहीं। हाँ सही है सही है, इतना ढीला यार निकलना। नहीं नहीं गर्मी बहुत है ना। और हाँ। ये बांध देते हैं हस्की को चैन, ये हस्की चैन बन गई। आ जाओ हस्की, नहीं निकलेगा, आ जाओ हस्की, हस्की आ जाओ हस्की जी। वाह वो पैर उठ खा लेगा हस्की। पैंथर छोड़, नहीं नहीं अली, नहीं 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 नहीं। बंटा आज शरीफ हुआ है, वैसे बंटा ना आज इतने दिनों बाद आया इसलिए आप लोगों को शरीफ शरीफ लग रहा है। कल से बंटा आएगा, देखना बंटे की भी मस्तियां शुरू हो जाएंगी। हाँ हाँ कर वो कर, इधर दिखा जाल दिखा। बंटे को जाल में बंद कर दिया, बंटे को जाल में पकड़ लिया। अरे डक को पकड़े जाल में, क्या बोलते हो। मतलब यार कोई भी चीज ना, आज 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 हम लोग ये न्यू जाल लेके आए, वो पुराने वाला टूट गया था। अब किसी को भी हमने पकड़ना हो ना, इस जाल से पकड़ सकते हैं। अली आप नहीं पकड़ सकते, जाल तोड़ दोगे यार। मुर्गी पकड़ ली अली ने। खाना शाना हमने सबको दे दिया। और भाई आजकल ना गर्मी इतनी शदीद है ना, क्या बताऊं, पसीनों से बुरा हाल हो जाता है हमारा तो। ये वाला पता नहीं तुर्किश रैबिट इतना शरीफ क्यों है, ना किसी के साथ मिलता है, ना किसी के साथ बात करता है, बस अकेला ही बैठा रहता है। ओ अली ने सील मुर्गा पकड़ लिया। मेरे साथ प्रैंक। सबको खाना छाना खिला दिया, मुर्गा मुर्गियों को हम लोगों ने सबको कैज में बंद कर दिया। पैरोट्स को भी कैज में डाल दिया, किटन्स को भी कैज में डाल दिया, और हस्की डॉग को ना हम लोगों ने लंबे वाले बांस के साथ बांध दिया। अब्दुल्ला
इसकी जो जंजीर है ना वो थोड़ी लंबी छोड़ देना, बिस्किट डाल दी इसके, थोड़ा सा दूध भी डाल दो और पानी भी रख दो इसका, पानी फुल करके रख दे ये ले। सही है, सबको हमने खाना शाना खिला दिया, पंथर को भी खाना दे दिया और ऑस्ट्रेलियन पैरोट्स को डाला है बाजरा। अब्दुल्ला ऑस्ट्रेलियन पैरोट का भी बाजरा थोड़ा कम है, इनका भी बाजरा डाल दे। मगरिब की अजानें हो गई हैं, मोस्टली अंधेरा भी हो गया, तो चलते हैं फटाफट से मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए। और अली ने ना आज शाम में ट्यूशन जाना है, सुबह भाई साहब बहाना बना के आ गए थे। क्या बोला था सुबह बाजी को? मैंने बाजी को सुबह जाके बोला बिल्कुल बेकार हालत में, बाजी मुझे ना बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है। वैसी एक्टिंग करके दिखाओ जैसे। बाजी मुझे ना बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मुझे गर्मी की वजह से बुखार हो गया और मैं नींद नहीं आऊँ, मुझे घर जाने दो, मुझे ट्यूशन। बाजी ने छुट्टी दे दी। फिर अली घर पे आया, फिर क्या हुआ? फिर मामा ने ना अली की ट्यूशन वाली बाजी को फ़ोन किया, भाई अली को छुट्टी क्यों दे दी? तो बाजी ने बताया कि भाई अली बहाना बना के आया, मुझे बुखार हो रहा है, आके बोलता है मैंने तो मंगल बाजार जाना था, इस वजह से मैं ट्यूशन की छुट्टी लेके आया हूँ। फिर मामा से मुझे डांट पड़ी भाई। फिर अभी अली आज शाम में ट्यूशन जाएगा। चलो चलो नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद आप ट्यूशन चले जाना। मगरिब की नमाज़ पढ़ के घर आ गए थे। घर आके मैंने काम शाम किया, एडिटिंग शेडिटिंग की। पापा के दोस्त वोस्त आए हुए, तो हम लोग जा रहे हैं बाहर रेस्टोरेंट पे खाना छाना खाने के लिए। और अली की भाई आज ट्यूशन की छुट्टी हो गई है। ये देखो बच्चे भाई हमारी गली के, हमारी बिल्ली को पकड़ के ले आए, मानो को जो भाग गई थी, कैच में बंद किया हुआ है। कहाँ से पकड़ी? ये हमारे घर की है, ले के जाओ इसको। ये देखो भाई निकलने वाली हुई है, फुल खुराट हुई हुई है। मैं तो बोलता हूँ इसे छोड़ देते हैं, कल ना इसको कल परसों आज़ाद कर देंगे। क्या बोलते हो अली? ये वैसे अब हमारे घर नहीं रहेगी, घर नहीं रहेगी, काबू आने वाली नहीं है, भाग जाएगी। हाँ भाग जाएगी। चलो चलो हम लोग इसको खोलते हैं, भाग जाएगी। जल्दी चलो, पापा कार भी लेके आ गए, हमारा वेट कर रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए थे हम लोगों ने पिज़्ज़ा नहीं खाया था, तो आज हमारा पिज़्ज़ा खाने का दिल कर रहा था, तो हम लोग आ गए कैफ़े पे। पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर कर दिया था, पिज़्ज़ा हमारा आ गया। हमने मंगवाया मलाई बोटी पिज़्ज़ा, और भाई दिखने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, और मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है और मुझसे वेट भी नहीं हो रहा। साथ में चिप्स भी मंगवाए, और अली ने तो भाई खाना भी शुरू कर दिया, तो हम भी खाते हैं भाई फटाफट से अपना पिज़्ज़ा। खाना पीना हो गया, अब चलते हैं भाई फटाफट से घर। फाइनली हम लोग घर पहुंच गए और रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं से एंड। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके हमारे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय।